Everyone, how are you? Well, I hope you all are good and safe. Today, our video on how students can online study during the coronavirus lockdown. जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी कंट्री में coronavirus का कहर है. हर फील्ड बुरी तरह से impacted हो चुका है. इसी में हमारा education system भी पूरी तरह से हिल गया है और इसके साथ साथ हमारी स्टडी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है. ना तो हमें ये पता है कि स्कूल कब शुरू होंगे, ना ही हमको ये पता है कि हमारी ट्यूशन क्लासेस कब शुरू होंगी. ऐसे में हम सभी यही सोचते हैं कि कब सब ये नॉर्मल हो जाए और हम अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जी पाएँ. बट ऐसे में हम अपनी स्टडी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं. तो सभी स्कूल्स ने इस इम्पैक्ट को कम करने के लिए और आपकी स्टडी को कंटिन्यूसली रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं, ताकि आप सब सेफ रहकर अपनी स्टडी भी कंटिन्यूस कर सकें. तो ये जो वीडियो है आपको आपके स्टडी शेड्यूल करने में बहुत हेल्प करेगी. सो हेयर सम टिप्स फॉर यू स्टूडेंट्स. नंबर फर्स्ट, सेल्फ स्टडी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स. एवरी स्टूडेंट must know about self study. I know you all are aware about this, but actually we don't know how do we study. So let's talk about some facts. In this picture you see some bricks like books, classrooms, self study, practice, viewing, other sources. You see here 25% books se gain karte hain, 15% क्लासरूम से एंड 41% सेल्फ स्टडीज से, 10% व्यूइंग एंड 1% अदर सोर्सेज से. तो सबसे जो हमारा गेन करने का मेजर पार्ट है 41% सेल्फ स्टडी है. सो हेयर सम स्मार्ट टिप्स फॉर यू. फर्स्ट, स्टडी एटलीस्ट टू सब्जेक्ट्स ईच डे. आपको कम से कम एक दिन में टू सब्जेक्ट्स स्टडी करने चाहिए. सेकेंड, रिवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपको डेली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने चाहिए, लाइक आपके मैथ फार्मूलेज हैं, मीनिंग्स हैं, अदर फैक्ट्स हैं, ये सभी आपको डेली रिवाइज करने चाहिए. थर्ड, डोंट मल्टी टास्क. आपको एक टाइम पर जो आप स्टडी कर रहे हो उस टाइम पर सिर्फ आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए, उसके अदर किसी भी टीवी, मोबाइल, किसी भी अदर डिस्ट्रक्शन में नहीं जाना चाहिए. फोर्थ, टेक द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स बाय हैंड. आपको ये अपनी हैबिट बनाना चाहिए कि आप जो नोट्स बनाएं वो आप खुद प्रिपेयर करें, क्योंकि जो नोट्स आप खुद प्रिपेयर करते हैं वो आप इजीली लर्न भी कर सकते हैं और आपको चैप्टर भी क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट, फिफ्थ है, टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली. आपको अपने आपका खुद का टेस्ट लेना है कि आपने इस पूरे वीक में कितना सीखा. एक रेगुलर टाइम आपको डिसाइड करना होगा अपना टेस्ट लेने के लिए. सिक्स्थ है, रीड आउट लाउड. आपको जोर जोर से बोल बोल कर पढ़ना है और लिखना है. इससे क्या होता है, आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज होती है. सेवेंथ, टेक रेगुलर ब्रेक्स. आपको स्टडी के साथ साथ 15-20 मिनट्स का ब्रेक भी रेगुलर लेना चाहिए. नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लासेस. ऑल स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं. इसी टाइम सभी स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड भी करा रहे हैं. ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि क्लास में टीचर आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन करता है, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं. बट यहाँ आपके पास ऑल टाइम टीचर है. व्हेन यू वांट आप कभी भी अपने टीचर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लाइक उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होते हैं, वीडियोज़ हैं, उनको कभी भी प्ले कर सकते हैं और फिर से पूरी उस क्लासरूम लेक्चर को दोबारा से रिमाइंड कर सकते हैं. सो टिप्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस. फर्स्ट, सेट अ मेजर गोल. हमें अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि आज हमें क्या सीखना है और कितना सीखना है. सेकंड, यूज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज. आपके पास जितने भी अवेलेबल ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उन सभी का आपको यूज़ करना चाहिए. थर्ड, टेक नोट्स. आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए. फोर्थ, कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स. और आपको अदर स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, जिससे आपको क्लासेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और अदर न्यू थिंग्स के बारे में आपको पता चलता रहे. फिफ्थ, रिवाइज अगेन योर रिकॉर्डेड लेसन. तो यहाँ आपके पास जितने भी रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, आप उन वीडियोज़ को रीप्ले कर दोबारा से अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं.
सो ऑनलाइन स्टडी में सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आपके पास टीचर ऑल टाइम अवेलेबल रहता है. रीड अ लॉट मोर गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ये लॉकडाउन टाइम आपके लाइफ चेंजिंग टाइम भी हो सकता है. आप अपने काफ़ी सारे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, लाइक योर वीक सब्जेक्ट्स मैथ्स इंग्लिश साइंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो स्मार्ट टिप्स फॉर रीड अ लॉट मोर. फर्स्ट, वर्कआउट ऑन योर लर्निंग स्टाइल. अपने लर्निंग स्टाइल पर वर्क करें और एक क्विक लर्नर बने. सेकेंड, ऑर्गेनाइज योर स्टडी टाइम. टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सो आपको अपने स्टडी टाइम को ऑर्गेनाइज करना नेसेसरी है. थर्ड, वर्क आउट ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स. वीक सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, इन सभी सब्जेक्ट्स के आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट करनी चाहिए. फोर्थ, पे मोर अटेंशन इन क्लास एंड आस्क क्वेश्चंस. तो आपको आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनमें अटेंटिव रहना चाहिए और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चंस टीचर से पूछने चाहिए. फिफ्थ, अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर रिवीजन. रिवीजन को अपना पूरा टाइम देना चाहिए और सभी सब्जेक्ट्स को वन टाइम ज़रूर रिवीजन करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये तो आप सभी ने सुना होगा कि प्रैक्टिस करने से कोई भी परफेक्ट बन सकता है. तो आपके जितने भी वीक सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर वर्क कर सकते हो. ओके, वर्क ऑन योर पर्सनल हेल्थ. स्टडी के बारे में तो बहुत बातें हो गई, चलिए अब हम आपके बारे में बातें करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल हेल्थ, बिकॉज स्टडी के साथ साथ पर्सनल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है. सो हेयर सम स्मार्ट टिप्स फॉर पर्सनल हेल्थ. फर्स्ट, एक्सरसाइज एट योर होम. घर पर एक्सरसाइज करें, लाइक फास्ट वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग, रनिंग एट वन प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो सकती हैं, आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं. सेकंड, एडॉप्ट हेल्दी स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स. टाइम पर सोएं, टाइम पर जागें, हेल्दी फूड खाएं, बिकॉज स्लीपिंग और हेल्दी फूड ईटिंग ही आपकी बॉडी को ऑल एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिव रखती है. थर्ड, प्रैक्टिस मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग टू कीप द माइंड काम. अपने माइंड को शांत रखने के लिए और फोकस रखने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीथ की डेली प्रैक्टिस. फोर्थ, प्ले आउटडोर इंडोर गेम्स. गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, बिकॉज गेम्स आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटली एक्सरसाइज. स्टे कनेक्टेड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. फ्रेंड्स और फैमिली से जुड़े रहें, उनके साथ कनेक्टेड रहें, बिकॉज हैप्पीनेस इज द key of any success. Thank you. So I hope student this video will be very helpful for you. So that's all for today. Bye bye, take care. If you like my video then like, share or subscribe my channel. Thank you.